पाकिस्तान में मारा गया हिंदुस्तानी सरबजीत का कातिल। 11 साल बाद जहन्नुम में पहुंचा अमीर सरफराज तांबा। 3 गोलियों ने कर दिया भारत के दुश्मन का काम तमाम। भारत के दुश्मनों को विदेश मंत्री जयशंकर ने दी थी वार्निंग। अज्ञात, यही वो शब्द है जिसने पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे भारत के दुश्मनों की नींद हराम कर दी। अब तक परमजीत सिंह पंजवर, बशीर अहमद पीर, एजाज अहमद अहंगर, सैयद खालिद रजा जैसे कई खूंखार आतंकवादियों को मौत की नींद सुला चुके इन अज्ञात हमलावरों ने रविवार को एक और आतंकवादी को जहन्नुम में पहुंचा दिया, जिसका नाम है अमीर सरफराज तांबा। तस्वीर में नजर आ रहा भारत का ये दुश्मन अमीर सरफराज तांबा अब 72 हूरों से मिलने के लिए जहन्नुम पहुंच गया, क्योंकि रविवार को ही जब वो लाहौर में स्थित अपने घर में बैठा था, उसी वक्त 2 अज्ञात हमलावर बाइक से आए, गेट खुलवाया और ताबड़तोड़ 3 गोलियां मारकर उसे मौत की नींद सुला दिया, जिससे भारत ने भी अब चैन की सांस ली होगी, क्योंकि यही वो आतंकी था जिसने पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में बंद हिंदुस्तानी सरबजीत सिंह की जेल के अंदर ही पॉलिथिन से गला घोटकर हत्या कर दी थी। उस वक्त सरबजीत की हत्या के बाद आतंकी अमीर सरफराज को इनाम भी दिया गया था, और अब करीब 11 साल बाद उस आतंकी अमीर सरफराज को मौत के घाट उतारे जाने के बाद सरबजीत की आत्मा को भी शांति मिली होगी। सरबजीत सिंह जो कि कोट लखपत जेल में बंद थे और उनका एक बहुत ही साजिश के तहत आईएसआई ने अमीर सरफराज से माध्यम से उसका कत्ल करा दिया था, और अमीर सरफराज जिसने सरबजीत सिंह का कत्ल किया था इसलिए क्योंकि वो बेगुनाह थे, उनका कोर्ट में केस चला था और पुख्ते सबूत थे, वो छूटने वाले थे, इसलिए उनका जानबूझकर कत्लेआम करा दिया गया था ताकि वो छूट ना पाए, और आज आईएसआई ने उसको भी खत्म कर दिया जिस अमीर सरफराज से सरबजीत सिंह का खात्मा कराया था। एक बात स्पष्ट है, आतंक का खात्मा फिर मौत ही है, आतंक का अंत भी मौत ही है, और आज अमीर सरफराज को भी मौत आई, उसका भी कत्ल कर दिया गया। लेकिन हमें अफसोस और बड़ा खेद है कि सरबजीत सिंह जो बेगुनाह था, जिसकी बेगुनाही के सबूत सामने थे, अमीर जैसे आतंकी के द्वारा उसको मार दिया गया और उसका कभी भी सच सामने लोगों के पास ना आ पाया, और अब उसका भी खात्मा हुआ है, जिसकी कम से कम हमें इस बात की तसल्ली है कि सरबजीत सिंह बेगुनाह को मारने वाले का भी आज अंत हुआ है। 26 अप्रैल 2013 को कड़ी सुरक्षा वाली कोट लखपत जेल के अंदर सरफराज तांबा समेत कई कैदियों ने सरबजीत पर ईंट और लोहे की छड़ों से हमला कर दिया था। इसके बाद उन्हें बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया था, जहां कुछ दिनों बाद सरबजीत सिंह की 2 मई 2013 की सुबह दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। जिस तरह से सरबजीत के कातिल को अज्ञात हमलावरों ने मौत के घाट उतारा, उसी तरह से कई और आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया जा चुका है, जिसे लेकर भारत पर आरोप भी लगते रहे। हाल ही में ब्रिटिश अखबार द गार्जियन की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान में हुई करीब 20 हत्याएं संयुक्त अरब अमीरात से संचालित भारतीय खुफिया एजेंसियों के स्लीपर सेल के जरिए अंजाम दिए गए। इसके बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय भी सामने आया और उसने इन हत्याओं के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराते हुए कह दिया, भारत ने लक्षित हत्याओं को अंजाम देने के लिए स्थानीय हथियारों का एक नेटवर्क स्थापित किया है, जिसे संयुक्त अरब अमीरात में तैनात लोगों के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। हालांकि भारत ने इस तरह के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था, तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जब इस मामले पर सवाल किया गया तो उन्होंने सीधे सपाट शब्दों में कह दिया कि पाकिस्तान ने अगर आतंकवाद का इस्तेमाल करके भारत को अस्थिर करने की कोशिश की तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। गार्डियन का जो रिपोर्ट आया है कि भारत जो है वो पाकिस्तान में जाकर आतंकवादी, जिन्हें हम आतंकवादी कहते हैं लेकिन अभी पाकिस्तान ने या इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उन्हें आतंकवादी नहीं कहा है, कि हमने वहां पर उनके घर में घुसकर मारा है। आपने भी कहा कि हम घुसकर मारेंगे, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि सभी पत्रकार हो जाएं या फिर इंटरनेशनल एजेंसीज वो कह रहे हैं कि पुष्टिकरण हो गई है स्टोरी। मैं पाकिस्तान से यही अपेक्षा करता हूं कि आतंकवाद का सहारा लेकर यदि वह भारत को डिस्टेबलाइज करने की, अस्थिर करने की कोशिश करेंगे
तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आतंकवाद पर काबू पाए पाकिस्तान, यदि पाकिस्तान को लगता है कि वह आतंकवाद पर काबू पाने में असमर्थ हैं, नहीं कर सकते हैं, तो पड़ोसी देश भारत है, उसका भी सहयोग प्राप्त करना चाहते हो तो भारत का सहयोग प्राप्त करें। आतंकवाद को रोकने के लिए भारत सहयोग करने को तैयार है। आपको बता दें, सरबजीत के कातिल अमीर सरफराज के मारे जाने से कुछ ही दिनों पहले देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी एक ऐसा बयान सामने आया था जिससे पड़ोसी मुल्क में छुपकर बैठे भारत के दुश्मनों के दिल की धड़कने और बढ़ गई होंगी, क्योंकि विदेश मंत्री जयशंकर ने तो सीधे सपाट शब्दों में कह दिया था, आतंकवादियों को ये नहीं लगना चाहिए कि वो सीमा पार हैं, तो उन्हें कोई छू नहीं सकता। आतंकवादी कभी नियम से नहीं चलते, ऐसे में प्रतिक्रिया के लिए भी कोई नियम नहीं हो सकता। आतंकियों के खिलाफ ये आज के भारत की सोच है, जो आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने की बजाय उन्हें उनके घर में ठोकने की हिम्मत रखता है, और ये काम सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक करके दिखा भी दिया है। यही वजह है कि आज जब पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को अज्ञात हमलावर मौत की नींद सुला रहे हैं, तो घबराया पाकिस्तान भारत पर तोहमत लगा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, यह अज्ञात हमलावर कौन है जो विदेश में छुपे भारत के दुश्मनों को चुन चुन कर जहन्नुम पहुंचा रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मैं सरबजीत सिंह की बड़ी बेटी हूँ। बिल्कुल, अगर सवाल करें तो जिन्होंने सरबजीत सिंह को मारा था, उनको गोलियां मारकर जो उनकी हत्या हो गई है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जिन्होंने पापा पे उस टाइम पे हमला करके उनको बुरी तरह से घायल कर दिया था जेल में, उसके बाद उनकी वहां पर मौत हो गई थी पाकिस्तान की जेल में ही। उनमें से एक जो शख्स था उसको कल गोलियों से मार के उसकी हत्या की गई है, कुछ मीर सरफराज, जिसपे मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे हम कहते हैं कि कर्मों का फल यहीं पर ही मिलता है, ये उसके कर्मों का ही फल है, लेकिन इसके साथ ही मुझे लगता है एक बहुत बड़ी साजिश भी है ये पाकिस्तान की ही सरकार की तरफ से, क्योंकि ऐसे हो सकता है बहुत सारे राज हों जो उनको लगता हो कि बाहर ना आ जाएं दुनिया के सामने, क्योंकि ये भी एक पाकिस्तान सरकार की और वहाँ की एजेंसियों की ही एक मिलीभुगत के जो है कारण इन्होंने एक साजिश रच के ही मेरे पापा का वहाँ जेल में कत्ल करवाया था। बहुत सारे प्रयास किए गए थे जब पापा जेल में थे और जब उनकी मृत्यु भी हुई, उसके बाद भी हमने बहुत कोशिश की थी कि इसको इंटरनेशनल लेवल पे उठाया जाए कि उनकी हत्या आखिरकार कैसे की गई, जैसे कि जबकि वो एक हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर थे, एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, ऐसी जगह पे जाना किसी आम कैदी जो बाकी वहाँ पर रह रहे थे उनके बस की बात नहीं थी, बिना के अथॉरिटीज़ के वहाँ मिली भुगत के। तो ये अभी भी मैं चाहती हूँ कि इसका ये, जैसा कि मुझे कल भी पूछा गया था कि आपको लगता है कि इंसाफ हुआ है, बल्कि मैं ये सोचती हूँ ये इंसाफ नहीं हुआ है। इंसाफ तब होता है अगर दुनिया के सामने इनका चेहरा बेनकाब होता है।